सो गाइस आप देख सकते हैं ये है आपका गोदरेज प्रकृति। बहुत ज़्यादा स्पेसियस ये पूरा लोकेलिटी है, ओपन पार्किंग भी कर सकते हो आप, देख सकते कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई ऑलरेडी। बहुत अच्छा रेसिडेंशियल है ये एरिया। सो गाइस 11th फ्लोर पे ये आपका फ्लैट होने वाला है, देख सकते हैं आप गोदरेज प्रकृति। टोटल 19th फ्लोर का ये टावर है, लेकिन 11th फ्लोर पे आपका फ्लैट है, मतलब कि आपका टॉप फ्लोर वाला जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगा। टोटल 3 लिफ्ट अवेलेबल है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं फ्लैट की तरफ। ये आपका फायर एग्जिट है। सो गाइस ये आपका फ्लैट है, देख सकते हैं लॉबी एरिया बहुत अच्छा है। हे गाइस वेलकम, ये आपका 3 BHK फ्लैट दिख रहा है आपका गोदरेज प्रकृति में। जैसे हमने एंट्री किया, राइट हैंड साइड में जो जगह दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे सूज का केस बना सकते हैं। तो ये आपका लिविंग कम डाइनिंग है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस लिविंग कम डाइनिंग होने वाला है आपका। यहाँ पे डाइनिंग से यहाँ पे आप इस स्पेस में आप बेसिन बना सकते हैं। एंड ये आपका कॉमन बाथरूम है जो कि डाइनिंग से अटैच किया हुआ है। जस्ट लुक एट द स्पेस, काफ़ी स्पेसियस बाथरूम होने वाला है ये आपका। लिविंग कम डाइनिंग से अटैच किया हुआ यह आपका बालकनी है। जस्ट लुक एट द स्पेस बालकनी का, बहुत ज़्यादा स्पेसियस बालकनी आपको यहाँ पे मिल रहा है। टोटल स्पेस देखिए बस बालकनी का आप। एंड ये बाहर का व्यू, कमाल का व्यू है ये आपका। जैसे कि मैंने बोला पार्किंग की कोई कमी नहीं होने वाली यहाँ पे आपको। टोटल लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस दिखा देता हूँ, ये आपका टोटल लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस होने वाला है। बिल्कुल बालकनी के बगल में आपका फर्स्ट बेडरूम है, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा स्पेसियस बेडरूम है ये आपका। 2 विंडोज अवेलेबल है, एकदम रॉ फ्लैट है आपका। ये आपका किचन है जो कि डाइनिंग से अटैच किया हुआ है। आपको कोई भी केस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी से बना हुआ है पहले से ही। स्लैब की चौड़ाई बहुत अच्छी खासी है, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने बोला सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है। ये आपका सेकेंड बेडरूम है, देख सकते हैं आप। एंड ये फाइनली आपका थर्ड बेडरूम है जो कि एक मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पे आपको बाथरूम भी मिल जाएगा अटैच किया हुआ, देख सकते हैं काफी स्पेसियस बेडरूम होने वाला है ये आपका। क्योंकि देख सकते हैं मास्टर बेड रखने के बाद भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है बगल में। एंड ये तरफ भी आपका खुला हुआ है, जस्ट लुक एट द स्पेस, हर तरफ से फ्लैट खुला हुआ है आपका, कहीं से ब्लॉक नहीं है। तो एक मास्टर बेडरूम है तो आपको यहाँ पे बाथरूम भी मिल जाएगा। एंड बाथरूम का स्पेस तो कमाल का यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, लुक एट द स्पेस। तो अगर आपको ये 3 BHK फ्लैट पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, धन्यवाद। मैं लिफ्ट की बात करूँ तो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस लिफ्ट होने वाला है आपका। एंड आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने जल्दी से नीचे जाएगा। 11th फ्लोर है ना, देख सकते हैं आप, पहले स्पेस देख लीजिए। ऐसे टोटल 3 लिफ्ट होने वाले हैं, काफ़ी तेज़ी से ये नीचे जा रहा है। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए कि लिफ्ट का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। मतलब कुछ 10 से 20 सेकंड में आप 11th फ्लोर से पूरा ग्राउंड फ्लोर तक चले जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारी एमिनिटीज़ है, पहले मैं आपको ये पार्क दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको पावर बैकअप भी मिलेगा। एंड यहाँ पे सिर्फ पार्किंग के लिए एक पूरा टावर बना हुआ है, देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे एमिनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। देख सकते हैं लोकेशन, गोदरेज प्रकृति और हॉस्पिटल दोनों एक पास ही है, बिल्कुल मेन रोड पे आपका लोकेशन होने वाला है।